क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच फंस तो नहीं गए हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार एनडीए के अंदर खाने में सियासी खेल खेला जा रहा है और संभवतः इसी खेल में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी और जेडीयू ने अपनी 20 सूत्री कमेटी बना ली है और इस कमेटी में जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी को झुंझुना थमा दिया गया है और इसी के बाद से ये तमाम बातें सियासी गलियारों में घूम रही है। लेकिन क्या है इनसाइड स्टोरी, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो एनडीए के भीतर राजनीतिक हिस्सेदारी का एक बड़ा खेल जदयू और भाजपा ने मिलकर खेल दिया। 20 सूत्री कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर लोजपा रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के हिस्से में 0-0 मिला। लेकिन इन दोनों दलों से सदस्य बनाकर महरम लगाने की कोशिश एनडीए के रणनीतिकारों ने की है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के सियासी चर्चा राजनीतिक गलियारों में होने लगी है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को 20 सूत्री कमेटी के गठन का इंतजार भले कुछ ज्यादा हो गया, पर देर सवेर ही सही गठन को अंतिम स्वरूप दे दिया गया है। ऐसा चलन है कि कुल 25 लोगों की कमेटी में जिले के प्रभारी मंत्री 20 सूत्री कमेटी के अध्यक्ष होते हैं और उन्हें जिला अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जाता है। होता ये आया है कि गठबंधन दल के तमाम साथी को इसमें एडजस्ट किया जाता है। ये एडजस्टमेंट पार्टी की जनप्रतिनिधि के अनुसार भी तय किया जाता है। लेकिन 20 सूत्री की कमेटी की घोषणा के बाद लोजपा आर और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के नेता कार्यकर्ता ठगे महसूस कर रहे हैं। 20 सूत्री कमेटी गठित तो कर दी गई, लेकिन लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान और हम के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी को एक भी जिले में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला। हद तो ये हो गई कि लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान को वैशाली में भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला। वैशाली से जदयू के जिलाध्यक्ष सुभाष सिंह को अध्यक्ष और भाजपा के प्रेम सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं हम पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी को भी गया में 20 सूत्री का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कोई भी पद नहीं मिला। वहीं गया में भी जदयू के द्वारिका प्रसाद को अध्यक्ष और भाजपा के प्रेम प्रकाश को उपाध्यक्ष बनाया गया। 20 सूत्री कमेटी के गठन में लोजपा आर और हम को सदस्य के पद से संतोष करना पड़ा, पर अब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की नजर बोर्ड और आयोग के रिक्त पदों पर है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि राजनीतिक हिस्सेदारी में लोजपा और हम फिर ठगा महसूस करती है या कुछ विशेष हासिल कर 20 सूत्री में हुए अनदेखी की भरपाई कर पाती है। तो देखिए, बीजेपी और जेडीयू ने अपने 20 सूत्री कमेटी का गठन कर लिया है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है वो कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को ना तो इस पार्टियों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया गया, जिससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को साइड करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।